कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी बहुत सारे कस्टमरों में यूज करते रहते हैं, कभी कभी मी वाई डालते रहते हैं, कभी रूट करते रहते हैं, लेकिन हम बोर हो जाते हैं कस्टमर वगैरह यूज करते हुए, तो हमें जाना होता है वापस स्टॉक मी वाई के ऊपर जो कि हमारे फ़ोन के साथ मिला हुआ हो। और वैसे में हम फास्ट फूड मेथड ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि फास्ट फूड से जो OS हम इंस्टॉल करने वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड होता है, और जो कुछ भी फ़ोन के अंदर थोड़ा बहुत इशू भी आ गया हो ना, वो सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन को फास्ट बूट के हेल्प से ऑफिशियल स्टॉक MIUI को फ्लैश कर सकते हो। अभी मेरे पास ये रेडमी का नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स में सेम OS आता है, लेकिन सब नाम अलग है कैमरा के वजह से। लेकिन जो मैं मेथड आपको यहाँ पे बताऊंगा ना, ये आप किसी भी रेडमी MI और पोको के डिवाइस के ऊपर फॉलो कर सकते हो किसी भी OS से बैक टू स्टॉक जाने के लिए, चाहे वो पोर्ट हो, ऑक्सीजन हो, GSI हो या रूटेड हो, कोई सा भी रोम आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखे हो, बस आपको बैक जाना है स्टॉक, तो ये सेम मेथड आपको फॉलो करना होगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करूँगा, तो आपको भी पहले जो भी OS डाला हुआ है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। और कंडीशन होता है आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना, क्योंकि अगर अनलॉक नहीं है तब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन के बाद अपने कंप्यूटर की, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर के ऊपर। वीडियो अगर पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा सहायता करने के लिए। अब क्या करना है, आपके पास जो भी डिवाइस है इसका फास्ट बूट इमेज फाइल आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप डाउनलोड करोगे ना, तो जो फाइल आती है वो आपके डिवाइस के कोड नेम की हेल्प से आता है, आपके डिवाइस के नेम से नहीं मिलेगा, उस पर कोड नेम लिखा हुआ रहता है। और डिवाइस का कोड नेम कैसे पता करना है इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो दिया था, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो कोड नेम पता करने के बाद आपको अपने फ़ोन का ऑफिशियल फाइल डाउनलोड करना है। मेरे पास है नोट 10 प्रो, तो मैंने इसका ऑफिशियल फाइल डाउनलोड कर रखा है जो कि आप वहाँ पर देख पा रहे हो। अगर मैं इसका है जो पूरा डिटेल चेक करवाऊँ तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो स्वीट इन IN लगा हुआ है, ग्लोबल इमेज, क्योंकि इंडिया का डिवाइस है तो IN है, ग्लोबल रहेगा तो यहाँ पे IN नहीं रहता है। और जो फास्ट बूट इमेज फाइल होता है उसके लास्ट में जो फॉर्मेट है वो TGZ रहता है, और जो OT अपडेट या कस्टम रिकवरी से फ्लैश होता है उसके लास्ट में हमें ZIP देखने को मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको TGZ ही डाउनलोड करना है। उसके बाद आपका कोई भी विनरार या अनजिपर है उसके हेल्प से आपको इसे अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए आपको सी ड्राइव का ही यूज करना है, कहीं और पे नहीं, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगा। तो आप देख सकते हो ये जो सेम नेम आपको दिखाई दे रहा है इसे मैंने अपने सी ड्राइव में अनजिप कर रखा है। अनजिप कैसे करना है, सिंपल सा है, डबल टैप करना है, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सिलेक्ट करना है एरिया, जैसे कि ये ओनली TWRP है, इस पर मैं एक्सट्रैक्ट पे करूँगा, उसके बाद लोकल पे और यहाँ पे ओके पे टैप कर दूंगा, ये है जो अनजिप होके सी ड्राइव में चला जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको अपने रोम को अनजिप करना है जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा हूँ। तो आप देख सकते हो ओनली TWRP मैंने अभी अनजिप किया था, तो वो इस तरीके से आप इसे भी कर लेना। अब क्या करना है, आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा MI फ्लैश टूल, तो इसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ओपन करना है, जिसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब जो फाइल आपने अनजिप किया हुआ है उसे आपको ब्राउज करना है सी ड्राइव में, ये रहा है, ठीक है। इसे डबल टैप करके ओपन करना है। अब यहाँ पे जो इसका स्टेटस बार या सर्च बार जो भी आप कह लो दिखाई दे रहा है, या जहाँ पे आपको पूरा लोकेशन शो हो रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करते ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसे कॉपी करना है, अपने फ्लैश टूल को ओपन करना है, इसका जो बार है सिलेक्ट का इस पर आपको आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको अपने फ़ोन का बटन प्रेस करना है जो कि हमारा पावर बटन होगा, और वॉल्यूम डाउन लॉन्ग प्रेस करना है। सभी डिवाइस का सेम होने वाला है ये मेथड, ठीक है, बस फाइल अलग होगा अलग अलग डिवाइसेज के लिए। अब ऐसा लोगो आ जाने के बाद आपका जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने वाला केबल है फ़ोन का, उसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट कर देने के बाद अब आपको फ़ोन को ठीक से रख देना है ताकि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और डिस्कनेक्ट वगैरह हमारा केबल ना हो सके, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश और फ्लैश का बटन दिखाई दे रहा है, आपको रिफ्रेश पे टैप करना है। यहाँ पे आपका फाइल और फ़ोन कोड के नाम से शो होगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक है क्लियर ऑल का, यूज सेव, और यहाँ पे क्लीन ऑल एंड लॉक का। तो ये जो ऑप्शन है ना बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे कई बार फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, या सेंसर काम करना बंद कर देते हैं, तो इसका यूज नहीं करना है। पहले काम करता था बट अब थोड़ा रिस्की हो चुका है। तो आपको जब भी फ्लैश करना है हमेशा क्लीन ऑल पे ही सिलेक्ट करना है, गलती से आप इस पर सिलेक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है, ओके। तो इस पर टैप करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, चेक कर लेंगे ठीक से सब सही है ना, उसके बाद फ्लैश पे टैप कर देंगे।
अब ये जो फ्लैशिंग प्रोसेस है हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग होता है, किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 3 मिनट, तो ये डिवाइस के अनुसार डिपेंड करता है और आपका कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके अनुसार भी। अगर स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, अगर फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा नोट 10 प्रो कितने टाइम में कम्प्लीट होता है और ये फास्ट मोड से रिमूव होकर ऑन होता है, तो वेट करते हैं। यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो चुका है और टोटल टाइमिंग लगा है 335 सेकेंड। तो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग होता है। रेडमी का लोगो आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेट डिस्कनेक्ट कर सकते हो, डेटा वेल को बाहर निकाल सकते हो और यहाँ पे एमआई का लोगो भी आ चुका है। तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने फ़ोन बाय किया था तो सेटअप कम्प्लीट करना पड़ा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेटअप कम्प्लीट करना पड़ेगा। तब हम यहाँ पे आ चुके हैं किसी भी कस्टम पोर्ट GSI जो कुछ भी था आपके फ़ोन के अंदर उससे इसके ऑफिशियल स्टॉप MIUI पे। अब जो नेक्स्ट OTA अपडेट वगैरह आएगा वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और आप OTA अपडेट वगैरह भी है जो यहाँ पे कर पाओगे। आपके अगर वारंटी वॉइड हो गई थी रूट वगैरह करने से तब आपकी वारंटी भी वापस आ जाएगी। इस स्टॉक को फ्लैश करने के बाद आप केयर जा सकते हो, कोई भी ऑफिशियल प्रॉब्लम आता है और वारंटी पीरियड में है तो आप फ्री में सर्विस वगैरह ले सकते हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स का यूज करना बिल्कुल ही ना भूलें, ये बिल्कुल ही फ्री है। सो टाटा, बाय बाय।